स्टार्ट हो जाते हैं हमारे दिल्ली के असली पुराने कोठे। ये जो आप प्यारी सी बिल्डिंग देख रहे हो, ये किसी दौर में एक कोठा हुआ करता था। जो सामने आपको नज़र आ रहा है ना, ये भी किसी दौर में कोठा हुआ करता था। वो जो सामने नज़र आ रहा है, वो जो डिज़ाइन बना हुआ है, वो भी कोठा हुआ करता था। ये देखिए, जो जितने भी आप सिमिलर स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं ना, ये कोठे ही हैं। ये किसी दौर में यहाँ पर कोठे ही हुआ करते थे। एक वो रहा बड़ा सा, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, तवायफ शब्द सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? आपके नहीं बल्कि हम सबके दिमाग में आता है जिस्म फरोशी का धंधा करने वाली एक औरत। और कोठा शब्द सुनते ही आप सबसे पहले किस जगह के बारे में सोचते हैं? आप उस जगह की क्या इमेज बनाते हैं? आप सोचते हैं एक ऐसी जगह के बारे में जहाँ पर जिस्म फरोशी का धंधा होता है, लेकिन आप एकदम गलत हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लोग तवायफों को सिर्फ जिस्म फरोशी के धंधे तक सीमित रखते हैं, असल में वो तवायफों के बारे में कुछ नहीं जानते। एक दौर था जब तवायफों को बहुत ही इज्जत और आदर की नज़र से देखा जाता था। उनका मुकाम एक आम औरत से कहीं ज़्यादा होता था। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यासर और आप देखना शुरू कर चुके हैं जर्नी विदाउट वीज़ा। और आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ बाजार हुस्न, यानी चावड़ी बाज़ार। एक दौर था जब यहाँ पर लाइन से कोठे हुआ करते थे, महफिलें सजा करती थी, रातें रंगीन हुआ करती थी। राजा, नवाब, अमीरजादे, शहजादे यहाँ पर आया करते थे और इन कोठों पर खूब रुपया पैसा और अपनी धन दौलत लुटाया करते थे। तो आज अपनी इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज अपनी इस वीडियो में ये जो हमारे हुस्ने बाज़ार के कोठे हैं वो आपको एक्सप्लोर करके दिखाने वाले हैं और साथ ही आपको बताने वाले हैं इन तवायफों का इतिहास, कि इन तवायफों का हमारे इतिहास में क्या रोल रहा है। इन तवायफों ने हमारे इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसकी जो चर्चा है हम आगे अपनी इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर से दबा दीजिएगा। चलिए सबसे पहले ये जो हमारा बाजार हुस्न यानी चावड़ी बाज़ार है, यहाँ के कोठे एक्सप्लोर करते हैं, फिर आपको बताएंगे हम तवायफों के इतिहास के बारे में। चलिए चलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है जामा मस्जिद की बैक साइड, और बैक साइड से ही स्टार्ट हो जाते हैं हमारे दिल्ली के असली पुराने कोठे। ये जो आप प्यारी सी बिल्डिंग देख रहे हो, ये किसी दौर में एक कोठा हुआ करता था। देखिए मैं आपको बताता हूँ कोठे का मतलब क्या होता है। देखिए कोठे का मतलब होता है फर्स्ट फ्लोर। तो आप देख रहे होगे ना, ये फर्स्ट फ्लोर पर है, और कोठा शब्द जो है कोठी शब्द से ही निकला है। चलिए मैं आपको उसको ज़रा जूम करके दिखाता हूँ, कितना प्यारा बना हुआ है। ये आज के दौर का नहीं है, बहुत ही पुराना है। इसके अलावा यहाँ पर ऐसे और भी कोठे हैं, मैं इसकी आपको विंडोज़ दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे इसकी विंडोज़ कितनी प्यारी, ये देखिए। ये आज के दौर में मुझे पता नहीं ये क्या है। इसके अलावा चलिए मैं आपको एक और कोठा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ना, ये भी किसी दौर में कोठा हुआ करता था। वो जो सामने नज़र आ रहा है, वो जो डिज़ाइन बना हुआ है, वो भी कोठा हुआ करता था। मैं आपको ज़रा पास से दिखाता हूँ जूम कर करके। तो ये हैं दिल्ली के असली कोठे। ये आपको कोई नहीं दिखाएगा वीडियो में, पहली बार शायद मैं ही आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये कोठा हुआ करता था। ये एक और, ये भी एक कोठा था, यहाँ पे भी डांस परफॉर्मेंस होती थी। कोठे का मतलब जैसा कि मैंने बताया, फर्स्ट फ्लोर पर बना हुआ एक बड़ा सा रूम, और यहाँ पे बहुत सारे कोठे होते थे, बहुत सारे कोठे हुआ करते थे। देखिए ये बना हुआ है ना, ये तो खैर यहाँ का इधर का डिज़ाइन स्ट्रक्चर बदल गया, लेकिन इधर के साइड का नहीं बदला है। ये भी एक कोठा हुआ करता था, इधर के हाथ पर भी कोठे हुआ करते थे। तो यहाँ पर जो है लाइन से कोठे हुआ करते थे। चलिए अब आपको आगे की ओर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कोठे दिख जाए तो। ये सब कोठे हुआ करते थे, और ये जो जगह है ना, इसको बाजार हुस्न बोलते थे। चलिए और आगे चलते हैं, थोड़ा आपको एक्सप्लोर करके दिखाते हैं और भी कोठों के जो निशानात हैं वो हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। देखिए ये सब पुराना पुराना देखने को मिल रहा है ना, ये सब आर्किटेक्चर। ये अब आज के दौर पे ये पेपर मार्केट है, लेकिन एक दौर था जब यहाँ पर ये जो है कोठे हुआ करते थे।
ये स्ट्रक्चर देख लो, ये देखिए डिज़ाइन वगैरह, ये भी गाड़ियों से छिपा हुआ है। तो ये हैं दिल्ली के असली कोठे। मुझे नहीं लगता आज से पहले किसी ने ये बताया भी होगा, आपको दिखाया भी होगा। ये देखिए, तो ये सब कोठे हुआ करते थे जो मैं आपको अपनी इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। अगर आप हेरिटेज वॉक पर आएंगे किसी के साथ तो भाई 500 रुपये अलग से देने पड़ेंगे, ये नॉलेज लेने के लिए। यहाँ पर आपको फ्री में मिल रही है। आगे और भी कोठे हैं, आपको चलकर दिखाते हैं। जो अब निशानात बचे हैं कोठों के, मैं आपको वही दिखा रहा हूँ। बाकी तो जहाँ तक मेरा आइडिया है, यहाँ पर लाइन से कोठे हुआ करते थे। और आप सोच सकते हो क्या दौर रहा होगा, राजा महाराजा आ रहे हैं जा रहे हैं। ये रहा एक, ये दिखा आपको, ये है, ये है, चलिए और आगे की ओर चलते हैं और आपको दिखाते हैं दिल्ली के असली कोठे। तो ये हमारा इधर की तरफ भी हुआ करते थे काफ़ी सारे। इधर तो आप आजकल जो है हमारा नई सड़क है, लेकिन मैं आपको इधर की तरफ नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं लेके जा रहा हूँ इधर की तरफ। चलिए चलते हैं और इधर की ओर से आपको आगे से दिखाते हैं। तो दोस्तों देखो, एक वो रहा कोठा, मतलब अभी नहीं है, हुआ करते थे। ये इसका एंट्रेंस हुआ करता था। ये देखिए, गिरा ना। और आगे की ओर भी मैं आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ। मैं यहाँ सुबह सुबह ही आया हूँ क्योंकि सुबह सुबह ही यहाँ पे वीडियो बनना पॉसिबल है, वैसे टाइम पे तो बनना पॉसिबल नहीं है। ये देखिए, गिरा ना, ये डिज़ाइन देखिए। और ये रहा फर्स्ट फ्लोर, ये रहा हमारा कोठा। एक और है जो मुझे पता है आगे की ओर, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पे हम जो है कोठों की जो वीडियो वो कंप्लीट करेंगे, फिर आपको जो है हमारा तवायफ है उनका इतिहास बताएंगे। ये देखिए, जो जितने भी आप सिमिलर स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं ना, ये कोठे ही हैं। ये किसी दौर में यहाँ पर कोठे ही हुआ करते थे। एक वो रहा बड़ा सा, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये पिया हुए काफ़ी पुराना, इसके अभी भी नक्काशी वगैरह देखा जा सकते हैं। लाला मुन्ना लाल ने बनवाया था। ये रुकनुद्दौला मस्जिद है, काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है, काफ़ी प्यारी मस्जिद है। ये देखिए कितना बड़ा कोठा है। ये वो लास्ट कोठा है जिसके बारे में मुझे पता है। मैं आपको ज़रा पहले इधर से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसका कुछ स्ट्रक्चर है, छज्जे वगैरह निकले हुए हैं। वो सामने रुकनुद्दौला मस्जिद है, ये है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है इसके बारे में, इधर लिखा हुआ होगा ये इसका गेट हुआ करता था। तो ये भी एक कोठा था। इसके अलावा वो सामने आपको कोठे के निशानात दिख रहे होंगे। ये रहा कोठ, लाला भन्नामल गुजरीमल, 1892 की बिल्डिंग है। बना लो अंदर से, थोड़ा सा हल्का सा बनाना है बस। तो भाई मना कर रहे हैं, बस ये ऐसा था। चलिए अब मैं सामने की ओर दिखाता हूँ आपको। सामने की ओर है बस, यहाँ पर हम अपनी वीडियो कंप्लीट करेंगे। वो देखिए, थोड़ा सा पास लेके चलता हूँ, ट्रैफिक ज़्यादा है, सुबह आने पर भी अच्छा खासा ट्रैफिक है। ये देखिए, तो ये दिल्ली के असली कोठे हैं। ये देख रहा हूँ ना, निशानात बाकी बचे हैं बस। वो देखो फेस बना हुआ है, ये दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं यार, कैसे दिखा पाऊँ। और एक ये रहा
दूर से दिखाता हूँ ये वाला तो देख रहा हूँ ना। तो ये भी एक कोठा ही था, बड़ा प्यारा। ये देखो क्या डिजाइन बना हुआ है, मुझे पता नहीं अब ठीक से आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा। तो एक कोठा वो आगे की ओर है, वो आगे से मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये सब यहाँ पर लाइन से कोठे हुआ करते थे। वो रहा, जूम करके दिखाता हूँ। एक ये रहा, तो एक दौर था जब यहाँ पे लाइन से ऐसे ही कोठे हुआ करते थे। चलिए अब आपको तवायफों का इतिहास बताते हैं। सो दोस्तों, ये था हमारा बाजार हुस्न और यहाँ के कोठे। चलिए बात करते हैं तवायफ और तवायफों के इतिहास की। तवायफ शब्द अरबी के तवाफ शब्द से निकला है, जिसका मतलब होता है चारों ओर घूमना। मतलब जो औरतें डांस या नृत्य करते समय बहुत ज़्यादा चारों ओर घुमा करती थी, उन्हें तवायफ कहा जाने लगा। जैसा कि कत्थक और मुजरा में चारों ओर बहुत ज़्यादा घुमा जाता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि एक दौर था जब तवायफों को बहुत इज्जत और आदर की नज़र से देखा जाता था। उनका सम्मान एक आम औरत से कहीं ज़्यादा होता था, क्योंकि उनको नृत्य, शायरी, संगीत, कला और गायन में महारत हासिल होती थी। और इन तवायफों का हमारा भारतीय इतिहास में बहुत ही अहम रोल रहा है। चाहे बात हो सन 1857 के विद्रोह की या बात हो बॉलीवुड की नींव रखने की। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड के शुरुआती दौर में जिन औरतों ने बॉलीवुड में काम किया, असल में वो तवायफें थीं। इसकी बात हम जो है वीडियो के आगे तफसील से करेंगे, डिटेल में करेंगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एकदम शुरू से। जब भारत में ब्रिटिशों का राज नहीं था, भारत में राजा महाराजा और ये जो हमारे नवाब थे, ये शासन किया करते थे। ये तवायफों का गोल्डन पीरियड था। इस समय तवायफों के साथ उठना बैठना भी स्टेटस सिंबल माना जाता था। और यही वो दौर था जब एक तवायफ की इज्जत एक आम औरत से कहीं ज़्यादा होती थी, क्योंकि एक आम औरत के पास होता था घर बार और बच्चे, वहीं एक तवायफ के पास होता था रुपया, पैसा, धन दौलत और ढेर सारी पावर। ये वो दौर था जब तवायफों को एक आर्टिस्ट के तौर पर देखा जाता था, जैसे कि आज हम बॉलीवुड एक्ट्रेस को देखते हैं। ये तवायफें भाई साहब देखने में बहुत ही खूबसूरत हुआ करती थी, साथ ही ये अपने हुनर की भी महारती हुआ करती थी। इनको जो है जो इनके डांस फॉर्म थे लाइक मुजरा, कत्थक, ये जितने भी क्लासिकल आर्ट डांस फॉर्म थे, इसके अलावा जो क्लासिकल सिंगिंग थी लाइक दादरी और ठुमरी, इनको सिखाने वाले इनके अलग अलग जो है गुरु हुआ करते थे। और जिस तवायफ को अपने हुनर में जितनी महारत हासिल होती थी, उसका मुकाम भाई लोगों उतना ही ऊंचा हुआ करता था। और इनको जो है बड़े बड़े राजघरानों में परफॉर्म करने के लिए बुलाया जाता था। इस बीच क्या होता था, इस बीच इनका राजा महाराजाओं के साथ प्रेम प्रसंग हो जाता था भाई, टाका भिड़ जाता था। शायद आपको मालूम नहीं होगा, हज़रत महल जो कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह की बेगम थी, वो भी एक तवायफ थी। उनका असली नाम मोहम्मद सनम था। इसके अलावा मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह की जो बेगम थी कुदसिया बेगम, वो भी एक तवायफ ही थी। इसके अलावा ये जो हमारे राजा महाराजा और नवाब हुआ करते थे, अपने राजकुमारों को इन तवायफों के पास शायरी, शिष्टाचार, उठने बैठने का तरीका, तमीज़, तहजीब, ये सब सीखने के लिए भेजा करते थे। इन तवायफों का सबसे अहम रोल रहा है सन 1857 के विद्रोह में। देखिए, जो हमारे राजा महाराजा थे, उस दौर में इन तवायफों ने ढेर सारा रुपया, पैसा और धन दौलत इकट्ठा कर ली थी। तो जैसे हमारा 1857 का विद्रोह हुआ, इन तवायफों ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को, हमारे विद्रोहियों को फंडिंग की। इन स्वतंत्रता सेनानियों को अपने कोठों में पनाह दी, अंग्रेज़ों से बचाकर उनको अपने कोठों में छिपाया। इसके अलावा इन तवायफों ने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए गुप्तचर का काम किया। पर कैसे, देखिए, जो बड़े बड़े ब्रिटिश अफसर हुआ करते थे, वो अक्सर इन तवायफों के कोठे पर आते थे, इन तवायफों के पास आते थे। तो इन तवायफों ने उनसे उनके सीक्रेट्स निकलवाकर स्वतंत्रता सेनानियों तक पहुँचाए। और इन तवायफों ने ना सिर्फ अंग्रेज़ों के, ब्रिटिशों के सीक्रेट्स स्वतंत्रता सेनानियों तक पहुँचाए, बल्कि देश के लिए अपनी जान तक दे दी। जी हाँ दोस्तों, इनमें से एक तवायफ है जिसके बारे में मैं जानता हूँ, उसका नाम था अजीज़न बाई, जो कि नाना साहब की गुप्तचर हुआ करती थी। जब उसे अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया, तो अंग्रेज़ों ने उसे ऑफ़र दिया कि या तो वो जो नाना साहब हैं उनके सारे सीक्रेट्स उनको, ब्रिटिश को बता दें, तो वो उसको बख्श देंगे, उसको जाने देंगे।
पर उसने जो है ऐसा करने से साफ मना कर दिया। उसने ब्रिटिशर्स को जो है उनके सीक्रेट्स नहीं बताए और हंसते हंसते जो फांसी का फंदा है उसको एक्सेप्ट किया भाई, वो फांसी के फंदे पर झूल गई। तो ये तो थी एक अजीजन भाई जिसने देश के लिए अपनी जान दी, जिसके बारे में मुझे पता है ऐसी ना जाने कितनी तवायफें होंगी जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी थी। तो दोस्तों ये जो हमारा 1857 का विद्रोह था, इसके बाद जो है अंग्रेज़ों को ये समझ में आ चुका था कि ये जो तवायफें हैं ये इनके लिए सबसे बड़ा ख़तरा है, क्योंकि इनके पास ढेर सारा पैसा है, धन दौलत है, बड़ी बड़ी कोठियां हैं, ये समय समय पर जो है स्वतंत्रता सेनानियों को फंडिंग करती रहेंगी, उनको मदद करती रहेंगी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा कि सबसे पहले इन तवायफों को ख़त्म किया जाए ताकि ये जो विद्रोही हैं इनकी फंडिंग ख़त्म तो हो। तो इसके लिए उन्होंने क्या करा कि इसके लिए उन्होंने उनके जो कोठे थे उस पर छापेमारी स्टार्ट करी। छापेमारी के नाम पर वो क्या करते थे, उनके कोठों में जाते थे, तोड़ फोड़ करते थे, उनके जो धन दौलत थी, रुपया पैसा जेवरात थे वो छीन लिया करते थे। इनकी ये जो यहाँ पर बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, ये जो कोठे हैं इनको सीज कर दिया गया। और ये एक ऐसा दौर था जब राजा महाराजाओं के पास भी कोई ज़्यादा पैसा नहीं बचा था, मतलब पहले के दौर था ब्रिटिशर्स से पहले के राजा महाराजाओं के पास बहुत पैसा था, वो कोर्टों पे जाते थे, खूब पैसा उड़ाते थे, लेकिन अब उनकी हालत भी खस्ता हो चुकी थी, उनकी हालत भी खस्ता हो चुकी थी, और वो जो है इन तवायफों को इतना पैसा देने की मतलब हैसियत में नहीं थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे इन तवायफों का पतन होने लगा, और इतना पतन हो गया कि एक दौर ऐसा आया कि ये जो तवायफें हैं जो कभी आर्टिस्ट हुआ करती थी, जिनका समाज में एक बहुत बड़ी इज्जत और रुतबा हुआ करता था, मकाम हुआ करता था, मजबूरन उन्हें जिस्म फरोशी का धंधा करना पड़ गया। तो ये तो था 1857 और 1857 के बाद का इतिहास। अब बात करते हैं तवायफों की बॉलीवुड में एंट्री की। जी हाँ दोस्तों, जब बॉलीवुड की शुरू में नींव रखी गई थी उस समय औरतों का बॉलीवुड में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था। वो दौर ऐसा था जब आदमी ही औरत और मर्द दोनों का रोल अदा किया करते थे। यही वजह थी कि जब सन 1930 में पहली फिल्म बनी राजा हरिश्चंद्र, तो उसमें जो फीमेल कैरेक्टर था वो प्ले किया था अनुका सालुके ने, जो कि एक मर्द ही थे। तो एक वो दौर था जब औरतें ही आदमी ही औरतों के कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। तो इस दौर में तवायफें क्या कर रही थी, इस दौर में तवायफें बेघर थी, बेसहारा थी, उनके पास कुछ नहीं बचा था सिवाय उनके हुनर और उनके खूबसूरती के। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि ये तवायफें दिखने में तो सुंदर हुआ ही करती थी, साथ ही ये अच्छा नाच भी लेती थी और गा भी लेती थी, और अदाएँ और जो इनकी जो अदाएँ होती थी और जो इनके मतलब शिष्टाचार होते थे उससे भरपूर थी। तो जहाँ पर कोई आम औरत काम नहीं करना चाहती थी वहाँ का रुख किया इन तवायफों ने। तो इस तरह इन तवायफों की बॉलीवुड में एंट्री हुई। अब जो औरतों का रोल था, फीमेल का रोल था, वो ये तवायफें अदा करने लगी। तो दोस्तों बॉलीवुड के शुरुआती दौर में काम करने वाली जो तवायफ थी उनमें एक बहुत ही मशहूर तवायफ थी जद्दन भाई, जो कि एक्ट्रेस नरगिस की माँ थी और संजय दत्त, जो हमारा संजय दत्त है उनकी नानी थी। आपको शायद मालूम नहीं होगा जो हमारी एक्ट्रेस नरगिस थी उसका जन्म एक कोठे पर ही हुआ था, और जद्दन भाई बहुत ही फेमस तवायफ थी, इनको बड़े बड़े राजघरानों में परफॉर्म करने के लिए बुलाया जाता था। इसके अलावा एक और तवायफ थी रतन भाई, जो कि हमारी एक्ट्रेस काजुल है उसकी परनानी थी, उन्होंने भी बॉलीवुड के शुरुआती दौर में काम किया है, वो भी एक तवायफ ही थी। इसके अलावा और भी बहुत सारी तवायफें थी जिन्होंने बॉलीवुड के शुरुआती दौर में काम किया है, लाइक बेगम अख्तर, इन्हें मलकाए गज़ल कहा जाता है। इसके अलावा हुस्ना बाई, जो कि एक बेहतरीन सिंगर थी, और ना जाने कौन कौन तवायफें थी दोस्तों जिन्होंने बॉलीवुड के शुरुआती दौर में काम किया है। तो ये कहना कि जो हमारा बॉलीवुड का इतिहास रहा है वो तवायफों का इतिहास रहा है गलत नहीं होगा। तो ये था हमारा सारा तवायफों का इतिहास। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक दे देना, वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो ऐसी अमेजिंग अमेजिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर से दबा दें।